तो भाई चैनल दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मध्य प्रदेश में पिछली बार पटवारी का एग्जाम हुआ था 2017 में, उस एग्जाम में जो जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं उन क्वेश्चनों को आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आप मध्य प्रदेश में जो आने वाली वैकेंसी पटवारी है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह क्वेश्चन देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे और आगे क्या पूछे जा सकते हैं, साथ ही आप अपनी तैयारी को भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह एग्ज़ाम 12 दिसंबर 2017 शिफ्ट वन में क्वेश्चन हैं जो पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क की मध्य रेखा यानी कि प्राइमस्टिक गोलार्ध के मध्य में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो है पीनियल ग्रंथि होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़े और जीत गए हैं? तो है अपने पीएमजी हैं। नेक्स्ट, विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1909 को किस रूप में जाना जाता है? तो मिंटो मालिक सुधार अधिनियम के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, सितंबर 2017 में भारतीय वरिष्ठ पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उस समय इन्हें शॉर्ट मरेन को नियुक्त किया गया था कोच के रूप में। पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो है 1951 में प्रारंभ हुई थी। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे लंबा नेटवर्क है? तो यूपी में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आ रही प्रस्तावित बुलेट ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? तो है 508 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2016 में आठवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो वह गोवा में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है? तो है इंदौर है 2011 की जनगणना के अनुसार। जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला कौन सा है? तो मदन महल किला जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं आगे भी कई इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश्वर नदी किस जिले किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो है नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है महेश्वर। गुना में मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी स्टेवेल का नाम बताएं? तो है दोयाला बावड़ी है गुना में मल्हारगढ़। दमोह जिले में कुंडलपुर तीर्थ यात्रा केंद्र किस विशेष धार्मिक संप्रदाय के लिए है? तो है जैनों के लिए है। दूधधारा और दुर्गाधारा जलप्रताप कहाँ स्थित हैं? तो है अनूपपुर में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो है मुंबई से हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, यह मुंबई से आरंभ हुआ था। भारत में रहने वाले दलाई लामा किस चीनी प्रांत के निर्वासित नेता हैं? तो है तिब्बत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में संसद द्वारा पारित अखिल भारतीय कर का नाम क्या है? तो जीएसटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नर्मदापुरम संभाग का नहीं है? तो वह सीहोर है, बाकी के सब नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आते हैं, होशंगाबाद बैतूल हरदा। तो दोस्तों, यह 20 क्वेश्चन जो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद।